नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ग्वालियर में कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने किया प्रदर्शन, व्यावसायिक परीक्षा मंडल की जलाई चिता। इंदौर पुलिस एक्शन में ब्राउन शुगर के साथ आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने खोजी लापता छात्रा, पेपर बिगड़ने पर घर से भागी थी छात्रा। इंदौर के पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल में सेमिनार आयोजित, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और अधिकारी हुए शामिल। भले ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के रिक्त पदों की परीक्षा में गड़बड़ी करने के मामले में जांच के आदेश दे दिए हों, लेकिन बावजूद इसके कृषि महाविद्यालयों के छात्रों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल की चिता जलाई और पिंडदान करने के साथ साथ मुंडन भी करवाया। विद्यार्थियों ने फर्जीवाड़े की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। व्यापम द्वारा 10 और 11 फरवरी को हमारी एसडीओ और आरईओ की एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी, जिसकी उत्तर पुस्तिका व्यापम द्वारा 17 फरवरी को जारी की गई, जिसमें कुछ छात्रों के ऐसे संदेश पर नंबर आए, जैसे 195, 196 ऐसे छात्रों के नंबर आए जिनका एकेडमिक करियर शुरू से निम्न कोटि का रहा है और जो अपनी डिग्रियाँ 4 साल की बजाय 8 साल में 9-7 साल में ऐसे कर रहे हैं, जिनको गणित का, सामान्य हिंदी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, आधारभूत भी ज्ञान नहीं और अपितु कृषि का भी इनको आधारभूत बिल्कुल ज्ञान नहीं, फिर भी ये लोग 100 में से 99 नंबर और सी सेट में, जिसमें 5 से 6 सब्जेक्ट आते हैं, उसमें भी इनको 100 में से 90 नंबर 95 नंबर आए और अपने इन्होंने डिग्री के दौरान वो एक आधारभूत हमारा स्टैटिक शब्द होता है जिसको वो सब्जेक्ट होता है जिसको इन्होंने 6 से 7 बार में क्लियर किया, उस सब्जेक्ट में ये 17 में 17 ला रहे कैसे। इंदौर की किशनगंज पुलिस ने स्मैक बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी किशनगंज थाना क्षेत्र में स्मैक की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर ग्राहकों को बेच रहा था। दरअसल किशनगंज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक क्षेत्र में छोटी छोटी पुड़िया में नशा सप्लाई कर रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी किशनगंज को मुखबिर की सूचना मिलने पर एक आरोपी के कब्जे से 15 ग्राम स्मैक बरामद की थी। आरोपी छोटी छोटी पोड़ियों में जो उपयोग करता है उनको बेचना पता लगा है। आरोपी कहां से स्मैक लेकर आ रहा था उसके बारे में पता रसी कर अग्रिम कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। 3 दिन पहले महू से लापता हुई छात्रा को पुलिस ने सकुशल मुंबई से बरामद किया है। दरअसल छात्रा की काउंसलिंग करने पर बात सामने आई कि छात्रा पेपर बिगड़ने के कारण परेशान थी और इसी के कारण वह घर छोड़कर भाग निकली थी। 3 दिवस पूर्व एक बालिका अपने घर से मुंबई चली गई थी। बाद में मुंबई के एक जैन मंदिर के पास वो जाकर बैठी और वहाँ एक महिला ने उससे बात की। वो एक आश्रम में जाना चाहती थी, तब एक जिम्मेदार महिला ने उसको बड़े प्यार से उसकी काउंसलिंग की, उससे उसके घर का पता पूछा और बाद में उसके घर वालों से बात की, पुलिस से बात की और जैसे ही पता लगा पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंची और उस बालिका को सकुशल पुलिस ने बरामद कर लिया। इंदौर के पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी और अधिकारी शामिल रहे। अलग अलग साइबर एक्सपर्ट गौरव रावल साइबर अपराध के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस मामले में उप पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि पुलिस कर्मी और अधिकारियों के तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेमिनार आयोजित किया गया है। अच्छा, ये जो अभी प्रशिक्षण हम जिला पुलिस बल इंदौर और पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल जो हमारी संस्था है वो जिला पुलिस बल के अधिकारी कर्मचारियों के लिए एक सेमिनार प्रशिक्षण की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है,
जो अपने कार्य क्षेत्र में अपने काम की दक्षता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान महामारी में जो साइबर अपराध बढ़े हैं, तो निश्चित ही इस तरह के जो सेमिनार होते हैं, ये पुलिस के काम की दक्षता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।